बाहर गए थे हम पैतालीस में। अरे सुनिए लाइव कर रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी। आज दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लोग पटना के बेऊर के पास बेऊर में ही हम लोग हैं और डॉक्टर राज राजेश्वर जी हैं जो विशाल पब्लिकेशन के फाउंडर हुए। हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे दांगी इतिहास के बारे में और दांगी सोसाइटी के बारे में। काफ़ी रिसर्च रहा है इनका, काफ़ी अनुभव रहा है क्योंकि बुज़ुर्गों का अनुभव हम लोगों को बहुत कम मिल पाता है। दांगी के बारे में जानने की इच्छा हर लोगों की होती है। हम लोग 1 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे पहुँचे तो इनसे मिलकर पहले भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं। चूँकि जानने का मौका बहुत कम मिलता है, समय भी कम मिलता है, आज हम लोग आपको सीधा मुखातिब कराते हैं डॉक्टर राज राजेश्वर प्रसाद जी से। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि दांगी का पूर्व इतिहास क्या रहा है, दांगी की भौगोलिक स्थिति कैसी रही है और बिहार की दांगियों की क्या स्थिति है। तो आइए सीधे मिलते हैं डॉक्टर साहब से। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे बिहार में राजनीति समझ होती गई है, अपने समाज के लोग भी सक्रिय हुए। सही बात तो देखा जाए तो ऐसा है कि बिहार और बिहार बंगाल से अलग होने का के बाद यानी 1912 के बाद से एक नई चेतना जागृत हुई समस्त लोगों में, हर प्रकार के लोगों में बिहार। हमारे लोग भी दांगी समाज के उस समय तो शिक्षित कम थे, एक दो शिक्षक हुए, एक आध आदमी बिजनेस में भी थे, कुछ नौकरी में भी थे। जैसे कि प्रारंभिक दौर में देखा जाए तो 1910 और 1920 के बीच के लोग जो सक्रिय भाग लिए हैं अपने दांगी समाज के संगठन में, क्योंकि जब राजनीतिक चेतना जागी बिहारवासियों को बंगाल से अलग होने के बाद, तो हर जाति का लोग जो समृद्ध था अपने अपने जाति का संगठन करना शुरू कर दिया। कास्टों का तो बहुत कास्ट पाठशाला बहुत और 50 साल पहले से चल रहा था। उसके बाद यहाँ जो इस समाज बिहार के समाज में खासकर ब्राह्मणों का और राजपूतों का भूमिहारों का जो संगठन अलग अलग शुरू हुआ, तो सब लोग को अपना अपना जो संपन्न लोग थे अपने जाति के नाम से विद्यालय वगैरह खोलने लगे, कॉलेज वगैरह खोलने लगे और समय समय पर कम से कम साल भर में सालाना मीटिंग होने लगा और पत्रिका निकालने लगे प्रचार के लिए भी। तो वही देखा देखी कहिए या प्रभावित होकर के अपने समाज के दांगी समाज के तत्कालीन लोगों में सबसे प्रमुख रूप से कहा जाए तो पंडित विश्वनाथ, पंडित इसलिए कहते हैं कि संस्कृत शिक्षक थे, ये बेला प्रखंड के वो एक गांव है बराबर पहाड़ से ठीक दक्षिण पड़ेगा, नाम डीहा पनारी, तो डीहा पनारी, हाँ ठीक ठीक कहा, डीहा पनारी है। हम इसलिए जानते हैं कि 1945 में बहुत बच्चे थे तो हम लोग बराबर पहाड़ पर गए थे और उतर रहे थे दक्षिण तरफ, तो जैसे उतरे तो हमारे चाचा जी ने बताया कि वही देखो बागीचा है एक, वहीं पहले पहले 1914 में दांगियों का सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था पंडित विश्वनाथ के अध्यक्षता में। उस समय के प्रमुख कार्यकर्ताओं में एक और शिक्षक थे जिनको धनुकधारी सिंह कहा जाता है, ये भैक के रहने वाले थे। ये दो लोग प्रारंभिक रूप से सक्रिय रहे और धनुकधारी बाबू तो समझिए कि 1939 तक, जब तक कि 1939 में पटना में ही वो रजत
जयंती मनाया गया 25 वर्ष, तब तक वो महामंत्री थे और रिटायर कर गए थे। कहते थे कि 3 रुपया से 33 रुपया तक का हमने नौकरी किया है, और शिक्षक थे और हर जगह घूमे। पंडित विश्वनाथ का सबसे बड़ा योगदान दांगियों में ये है कि वो भागलपुर के वो कौन जिला है, भागलपुर का दक्षिणी छोर वाला जिला भी बांका में उनकी पोस्टिंग, बांका जिला है, और वहाँ वो खोज किए। मगर लोगों को भरोसा नहीं होता था 1950 तक में जब प्रबुद्ध लोगों के बीच में मीटिंग होती थी तो कहा करते थे कि भागलपुर में दांगी है नहीं, मगर सिर्फ ये भिखारी महतो को एक के घर बराबर बचपन से सुनते आ रहे थे कि भिखारी महतो ही एक मात्र दांगी परिवार है जो भागलपुर में है, मगर ऐसी बात है नहीं। उसके बाद भी उस जमाने में 1930 के आसपास एक अमेर गांव के बाबू जिसको पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, उनकी भी पुष्टि बांका में हुई और उन्होंने खोज किया भागलपुर और नजदीक वाला जो है मुंगेर जिला का। और 1938 में पहले गोपाल बाबू का अपना पोता का शादी वो किए, तब लोगों को भरोसा हुआ कि वहाँ दांगी हुआ। पटना वाले, पटना में तो सक्रिय राजनीति में देव बाबू थे नवादा के, उन्होंने पहले मुंगेर जिला में प्रधान चक में वो अपनी बच्ची मालती देवी का शादी 1943 में किए, जबकि उनके हस्बैंड जुगेश्वर राव जो बाद में पशुपालन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए, उनसे शादी हुई थी। तो इस ढंग से पहले लोगों में बहुत विश्वास नहीं था कि भागलपुर में भी और मुंगेर में भी दांगी हैं, मगर ये सब जो प्रबुद्ध लोग हैं या जानकार लोग हैं पहले दांगी की खोज के लिए काफी परिश्रम किए गए, उस समय भी लोग दौड़े थे, काफी मेहनत किए। अच्छा, संगठन जो है वो हम लोगों का 1914 से ही चला। अब सक्रिय लोगों में जैसे कि एक बिजनेसमैन है बीड़ी मार्चे विश्वेश्वर लाल दांगी, वो रानीगंज में उनका अनुष्ठान उनका था, प्रतिष्ठान था, और बराबर फिनांस करते रहे अभी आजीवन जब तक रहे। और उनके लड़के भी, दोनों लड़के श्यामलाल दांगी और एक और लड़के थे, बराबर उन्होंने मतलब वित्तीय जब भी जरूरत पड़ी तो भरपूर मदद किया उन्होंने, इसलिए उनका नाम भी उल्लेखनीय माना जाना चाहिए जी। कहे कि और उतना संपन्न कोई करोड़पतियों में कहां से, किस जिले से? विशेषकर दांगी एक्चुअली रहने वाले थे लाव के। अच्छा, गया जिला से? गया जिला के, लाव के, और जाकर के बस गए वो वहाँ रानीगंज और बीड़ी पत्ता का रोज इमामगंज रानीगंज वहाँ बंगाल में। अच्छा, बंगाल में, बंगाल के रानीगंज। अच्छा, हमको लगा कि इमामगंज बंगाल में। अच्छा, उनका काफी बड़ा योगदान वहाँ बीड़ी मर्चेंट के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके लड़के भी आज भी है, उस परिवार को बीड़ी मर्चेंट कहा जा सकता है। बीड़ी पत्ता का रोजगार था और भी, और राष्ट्रीय स्तर पर था, गुजरात से लेकर सब जगह बंगाल में जाके बसे। हाँ, बस गए वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया वहीं। विशेषर लाल दांगी उनका नाम था, बुजुर्ग थे बहुत, 70 के आसपास तक थे जी, 1970 तक। तो इस ढंग का हुआ। पढ़े लिखे लोगों में सबसे पहले ग्रेजुएट, ये इंट्रेंस उस समय तो बड़ा मुश्किल भी थी, इंग्लिश था, मगर कुछ लोग सबसे पहला जो हम समझते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी में वो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी तक गए, वो क्या नाम हम भूल रहे हैं उनका, प्रयाग नारायण। ठीक है, प्रयाग नारायण सिंह। देखिए, तीन नाम प्रयाग नारायण, तीन नाम प्रमुख नाम याद रखिए दांगियों, अगर इतिहास आज के लोग। प्रयाग नारायण पुलिस इंस्पेक्टर होकर 30 के आसपास रिटायर किए होंगे वो।
दूसरा प्रयाग नारायण गया जिला के बरोरा के, उनके प्रयास से वो थे कर्मचारी थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में उस जमाने में, और 1926 में अपने प्रयास से और लोगों के सहयोग से दांगी बोर्डिंग जो बना है सबसे पहला शहर में, आजादी से पहले गया जिला में गया शहर में एक भी दांगी का मकान नहीं था। सही बात है, आजादी से पहले तो किसी का मकान नहीं था जी। आजादी से पहले 1926 में दांगियों का सामूहिक मकान वही फतेह दांगी बोर्डिंग तो उसमें। और प्रयाग नारायण तो जगदेव बाबू के पिता का नाम है इसलिए उसको जानना जरूरी है, तो कम से कम तीन प्रयाग नारायण को तो जाने लोग जी। प्रयाग नारायण के बाद उन्हीं के एक लड़के हुए श्याम नारायण सिंह, 1915-16 के आसपास मैट्रिक पास किए होंगे और संस्कृत शिक्षा बोर्ड में बड़ा हुआ होकर के, और बहुत सामाजिक आदमी थे ये, आमेर के थे समझे ना जी। महेवा के सीताराम शरण सिंह 1916 के करीब इंजीनियरिंग स्कूल से इंजीनियर हुए थे, सदाकत आश्रम वगैरह में उस जमाने में बहुत भाग लिए थे जब बन रहा था, और इनका भी आज योगदान रहा है। और बाद में शत्रुघ्न बाबू इनके भतीजे हुए आजीवन, दुर्भाग्य से उनका मृत्यु थोड़ा कम समय में पहले ही हो गया, मगर आजीवन वो सक्रिय रहे इन लोगों का नाम करना चाहिए। 1920-21 में इन्होंने प्रयास किया कि एक पत्रिका निकले, दांगी मित्र पत्रिका 1920 में निकाले गए, 26 तक चला है। शुरुआत में रामदेव विद्यार्थी संपादक थे, और जब वो नौकरी में चले गए पुलिस सर्विस में, रामदेव उधर होगा रामदेव उधर होगा, हम लोग कहते थे सिलाव में बस गए, उनके वंशज लोग ढेर सारे हैं लोग अभी, तो पुलिस सेवा में वो चले गए। तो फिर भगवान प्रसाद एक साल तक 26 तक चला है वो दांगी मित्र पत्रिका के, भगवान प्रसाद भी थे वो इनके भतीजा थे आपको धर्मधारी बाबू के, सिद्धेश्वर बाबू भगवान प्रसाद, जगदीश बाबू जो थे पहला डिप्टी कलेक्टर अपने जात का इन्हीं के भतीजा थे, भैक वाले हैं ये सब ऐतिहासिक पुरुष है सब। अगर शैक्षणिक देखा जाए आजादी से पहले सिर्फ एक ग्रेजुएट अमेर के वही इंस्पेक्टर साहब के सबसे छोटे लगे राजेंद्र नारायण सिंह, और हाईकोर्ट में तगड़ा प्रैक्टिशनर थे पटना का हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में 1950 में जो गोचाचक बगीचा में आजादी के बाद जो मीटिंग हुई थी दांगियों का महासम्मेलन, 39 के बाद पटना में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कार पर आने वाले सिर्फ राजेंद्र नारायण सिंह थे, शुरू से ही कार वाले थे। और मेरे जानकारी में 1950 के स्टेज में कार रखने वाला सिर्फ दो आदमी था, एक राजेंद्र नारायण सिंह और एक बीडी मर्चेंट के यहाँ कार था, और किसी के यहाँ कार नहीं था, ऐसी स्थिति थी। आजादी के बाद करीब करीब दर्जन भर लड़के और लड़कियां एमए तक शिक्षा प्राप्त की, सबसे पहले एमए पास करने वाले जो कि 1950 में अध्यक्षता किए थे रामवरण प्रसाद, ये किसान कॉलेज में उस समय लेक्चरर थे बाद में प्रिंसिपल होकर के किसान कॉलेज गया, बिहार शरीफ किसान कॉलेज बिहार शरीफ। अच्छा, हम उस समय 8वीं कि 9वीं क्लास में पढ़ते थे, हमको सब मेमोरी साफ लाइव मेमोरी याद है, उस मीटिंग में हम खूब सक्रिय भाग लिए थे, विद्यार्थी थे पटना के थे, तो मिले रसूल के विद्यार्थी थे, तो कोनो घुसखोर ही विद्यार्थी तो थे नहीं, एनसीसी कैडेट थे, तो हम बहुत सक्रिय भाग ले इसलिए सब याद है। रामवरण प्रसाद को लाया गया मंच पर, और वही एक कहा है भाई अध्यक्षता कर रहे हैं कि यही एक मात्र एमए पास है अपने जाति, 1950 के बाद ही कोई 55-57 तक में ढेर सारे हुए, जैसे
उपेंद्रनाथ वर्मा हुए, जगदेव प्रसाद हुए, वो जदुनंदन महतो, जदुनंदन महतो भी एक बहुत सक्रिय और कर्मठ योगदान देने वाले दांगी समाज के व्यक्ति हुए हैं। 1927 में इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय तो कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग स्कूल से लिए इंजीनियर हुए, डिप्लोमे था, और सरकारी सेवा में गए, मगर उनको मन नहीं भरा, क्रांतिकारी आदमी थे और प्राइवेट अपना करने लगे। और 1949 में जब यहाँ पटना में महासम्मेलन हुआ था दांगियों का, उस समय महामंत्री नियुक्त हुए, और उस जमाने का वो रिपोर्ट है उनका लिखित, बिल्कुल एक प्रगति रिपोर्ट, कोई 10 पन्ने का, उसमें सारा वृत्तांत उस समय तक के प्रगति का उसमें लेखा जोखा है। उसमें जो कार्यकारिणी के मेंबर थे और जो गेस्ट लोग थे, जो आगंतुक थे, बुलाए गए थे, जैसे कि त्रिवेणी संघ का त्रिवेणी संघ का बहुत जोर था, अपने अपना समाज का जो अग्रगणी लोग था वो त्रिवेणी संघ से जुड़ा हुआ। ये 1932-33 के बाद नहीं, 39 की बात हम कह रहे हैं, अपना मीटिंग की बात। अच्छा, त्रिवेणी संघ से जुड़ा हुआ था, कहा कि त्रिवेणी संघ के जो अध्यक्ष थे और त्रिवेणी संघ वाले भी आए थे उस मीटिंग में, तो जगदेव यादव थे यूपी के, हाँ वही थे, और ये थे क्या कहा जाता है आप जगजीवन राम थे, हाँ जगजीवन राम आने वाले में, और त्रिवेणी संघ के जो नेता थे उस समय अधियापुर में, क्या नाम था उनका, कौनलाल जो देखिए नाम अच्छा याद आवेगा, तब मंत्री भी हुए थे, आपको वो सब देखना होगा, मुंगेरी लाल, जैसे कि मान लिए क्या गुरु सहाय लाल, अच्छा गुरु सहाय लाल, गुरु सहाय लाल, याद नीतीश जो है उन्हीं के प्रति छाया है, समझ राजनीति अगर गहराई से समझिएगा तो कैसे नीतीश हैं, हाँ। तो गुरु सहाय लाल को समझना होगा, हाँ। कहा है कि 1937 में जब मंत्रिमंडल का जब अंग्रेजी राज से समन्वय हुआ तो कांग्रेसी पहले 1937 के पहले अप्रैल से लेकर के 14 जुलाई तक जी, ये श्री बाबू प्रधानमंत्री नहीं थे, यूनुस सलीम नाम के एक व्यक्ति हुए, और उसमें गुरु सहाय लाल मंत्री थे, ये पहला बैकवर्ड वाला व्यक्ति मंत्री हुआ, पहला। और हम लोग का मोर और लेस दांगियों का पटना में या बाहर का लोग अवधिया कुर्मी समझता है, इसको बात को भी आप समझ जी, फर्क नहीं कर पाता है, हम 35 साल तक नौकरी में रहे वो फर्क नहीं कर पाया कि अवधिया कुर्मी और दांगी का, कहे कि यहाँ का जो राजनीति फुलवाड़ी एरिया का जो हम जहाँ तक हमको याद है वो उसके साथ चला है, अवधिया कुर्मियों के साथ, उन्हीं माने हम लोग का सहयोग वो लोग लेता ही रहा, चाहे राम खिलावन सिंह हो चाहे दासू सिंह, तक दासू सिंह के बाद तो ये फुलवाड़ी रिजर्व हो गया ना, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी चल गई, उसके बाद से जनरल रहा नहीं तो यहाँ का पटना पश्चिम का या फुलवाड़ी दानापुर के आसपास के जो दांगी है वो इसको बाहर वाला लोग रिजर्व पे पहले जिसे बिहार में जो रिजर्व जो सीटें हैं ज्यादातर जहाँ पे दांगी की बसावट है वही रिजर्व किया गया, दांगी की बसावट इसीलिए है कि आपका कहने वाला वहाँ कोई नहीं, लड़ने वाला उसमें विरोध नहीं किया गया था या फिर क्या हुआ कहीं विरोध, देखिए अब सवाल यह है कि हमारे दो नेता हुए, आप चीजों को समझिए, नेता तो हमारे कुशवाहा के नाम पर हुए नेता, दांगी के नाम पर तो नेता हुए नहीं, उनकी पहचान कुशवाहा नेता के रूप में हुई, दांगी नेता के रूप में नहीं हुई, चाहे जगदेव प्रसाद हुए या उपेंद्रनाथ वर्मा हुए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी से संबद्ध थे और वैसी स्थिति में वो उस जिस समय ये लोग मंत्री वगैरह हुए
या अपने प्रकाशता पर से अपने को खुल कर बांगी नहीं कर सकते थे, उनकी मजबूरी थी। आज की स्थिति में और आज से 40-50 साल पहले की स्थिति में बहुत फर्क है। खुलकर हम लोग भी जात वाली बात नहीं करते थे, जैसे कि आज अखबारें भी निकलता है कि इतना ही जात, इतना ही जात, इतना ही जात, इतना ही जात, इतना ही जात। ये 50 साल पहले बात नहीं था, तो हमारे नेता कैसे कर, वो तो बगावत किया। आप एक बात और रिकॉर्ड कर लीजिए बाबू, तो इसमें भी तो झूठलाया जाता है, जिसे अखबार में भी जो निकलते हैं सही आंकड़े नहीं होते हैं। सही आंकड़े इसीलिए नहीं है, सही आंकड़े तो छाप ही नहीं रहा है। नहीं तो सही आंकड़ा सरकार भी तो नहीं दिखाना चाह रही है, सरकारें नहीं दिखा रही है ना अभी तो। सरकार रखी हुई है, सरकार जानती है, लेकिन सरकार दिखाना नहीं चाहती, दिखाना नहीं चाहती। इसमें क्या सच्चाई, क्या बुराई, क्या उनका हित लाभ है, ये तो सरकार ही। हर हाल में हम लोगों से ऐसी स्थिति है, हमारा कुछ अब दांगी, मूल रूप से दांगी को समझने के लिए मैं जैसा समझता हूँ, ये फ्यूडल आउटलुक का है। अंदर बिल्कुल इसके जीन में राष्ट्रीय ठाट है, इस बात को आप समझ लीजिए, इसको ऐसे आप समझिए। लेकिन धरातल पे तो बहुत स्थिति खराब है, हम डुमरिया की स्थिति देखने गया जिला का, या फिर मानसिक रूप में पटना में भी कई जगह, आर्थिक रूप से विपन्न है और मानसिक रूप से अपने को फ्यूडल समझता है, इसी कंट्रोवर्सी में मार खाते रहते हैं। आप हैं विचार से फ्यूडल सामंतवादी, बिल्कुल राजा जैसा, राजकुमार जैसा अपने आप को समझ रहे हैं, और उसके लिए आपको न बौद्धिक हैसियत है और न समझिए कि आर्थिक हैसियत है, तो फ्यूडल कैसे हो सकते हैं। फ्यूडल होने के लिए तो राजनीतिक चेतना चाहिए ना, राजनीतिक चेतना इस जात में नहीं हो रहा है कि तो नेता मानने के लिए तैयार है नहीं। पहली बात, यह स्थिति पहले भी बनी हुई थी, हाँ इसका करेक्टर है, इसके जीन में घुसा हुआ है। आप आज जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांगी ऐसा, अरे ऐसा है उसको समझो, आप उससे बिहेवियर वैसे मत करो, राजकुमार जैसा बिहेव करो, राजा एक राजा दूसरे राजा से बात करता है वैसा भी उसको डांटो मत, ऐसा नहीं है जैसा है कि माए बहन का गाली दे दी है अगर फिर आकर के पैर छुएगा, ऐसा नहीं है। एक बार भी अगर किसी दांगी को डांटे तो दूसरे बार तुमका मुंह नहीं देखेगा जिंदगी भर, ये मेरा अनुभव है, 85 साल का ये आदमी कह रहा है, जबकि हम सही एग्जैक्ट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप डांटिए मत उसको, आप नाटक वैसा नहीं कीजिए तो दूसरे जात का बड़ा बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं अपने जो उससे मिलने आता है उससे बिहेव करता है वैसा आप कीजिएगा, ये फेलियर हो रहा है यार, हमारे लोग जो फेल हो रहे हैं उसका क्या कारण है। अब नागमनी कैसे फेल हो, अब डांट देते हैं अलबल बात बोल दीजिए, नहीं नहीं चलेगा वहां दांगियों के साथ तो नहीं, विभंगा है मगर उसको राजा जैसा आपको व्यवहार करना पड़ेगा, इसको ठीक से समझिए। आने वाले दिन में जिनको भी राजनीति करना है या सामाजिक काम करना है, ये मेरा पक्का अनुभव है। तो बहुत बड़ा अनुभव आप शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, और मजबूरन हमको, हम आज अफसोस करते हैं कि अगर उसको डांटे हुए नहीं रहते तो हमारा ऐसा से ऐसा हो जाता। एक बार डांटे उसको दूर दूर आए कि बात खत्म, एकदम क्लियर कट। इसीलिए हमको एकदम फ्यूडल आउटलुक का है, यदमीय फ्यूडल आउटलुक का, इसका करेक्टर भी ना है, कोई नहीं जैसा कोई नहीं जैसा नहीं है कि अब गड़िया दीजिए मार दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अब उसको मजबूरी ये है, लड़ना तो चाहता है मगर दूसरे से तो लड़ नहीं पाइएगा, लड़ने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना, मगर मन में तो है कि हम राजा राजकुमार हैं, हैं आप कुछ नहीं, मन शक्ति नहीं आपको है, अरे टेक्निक देखता ही ना लड़ाई के लिए। आप अब जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, पटना जिला में लेकिन मध्य प्रदेश में तो इसका अगेंस्ट है सर, मध्य प्रदेश राजस्थान में तो स्थिति इसका विपरीत है। हाँ विपरीत तो रहेगा ही, कारण है उसका, यहाँ आया दांगी कैसे इसको समझना होगा। तीन कैटेगरी का दांगी यहाँ आया, पहले जो आया अशोक की माँ का नाम शुभ्र दांगी, वो वहाँ उज्जैन की राजकुमारी थी, अशोक वहाँ गवर्नर के रूप में बहुत दिन तक रहे हैं, और उनके साथ जब यहाँ आई तो बहुत सारे दांगी ओरिजिनल जो हम लोग पटना वाले हैं, अब तो बहुत सारा शिफ्ट हो गया ना, 1200 गांव टूटा था,
ये यहाँ से फुलवाड़ी शरीफ एरोड्रॉम से लेकर के वहाँ गांधी मैदान तक उसमें 12 गांव में ढेर सारे दांगी ओरिजिनल थे जो अशोक के जमाने के थे, वो इधर उधर सब छितर आ गए। अब दांगी खोल अब बटे बात चीज को समझिएगा तब न कि क्या क्या परिस्थितियाँ भिन्न हुई है। हम लोग यहाँ चुके थोड़ा दूर थे इसीलिए ओरिजिनल हम लोग आए यहाँ अशोक के जमाने वाला। फिर गया, गया से लेकर के आपको फिर मराठा लोगों का इतिहास जानना पड़ेगा। मराठा के इतिहास जानने के लिए आपको और टेकारी महाराज का इतिहास जानना पड़ेगा, उसको पढ़िए और तब समझ में आवेगा कि दांगी लोग आया कि पहाड़े पहाड़े यहाँ से राजमहल तक कैसे खाली पहाड़े का बसल है भाई। हाँ, बिहार में जितना भी देखे हैं कि नदी किनारे और जंगली जंगल के किनारे पहाड़ के किनारे किया था, वहां जो प्रॉब्लम आपको अधिकांश बसावट वही है नदी किनारे जंगल किनारे पहाड़ किनारे। आपको इतिहास खंगालना पड़ेगा अवंती का या मध्य प्रदेश, वहां मध्य प्रदेश का इतिहास खंगालना पड़ेगा जहां से शिफ्ट हुआ तो पहाड़ पर था, पहाड़े पर आगे बसा सेफली सीधे। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। हम एक दिन सोच रहे थे अगर महारानी झांसी का घोड़ा भड़कता नहीं, नाला पार कर जाता तो कहाँ जाते। दौड़ाते हुए सीधे कैमूर की पहाड़ी पर चढ़ जाते, जंगले जंगल पूरा एकदम बिल्कुल सीधे, और यहाँ मिलान हो जाता बाबू कुंवर सिंह से और इंद्रजीत कुंवर से। इंद्रजीत कुंवर थी वहाँ की रानी, उन्हें करीब करीब 1950 से लेकर के उस जमाने में 1857-1850 से थी वही पावर में। बहुत परेशान किया है अंग्रेजों से उनको महारानी रंजीत कुंवर को। अगर महारानी रंजीत कुंवर महारानी झांसी अगर मिल जाती इतिहास से दूसरा हो जाता तो सील कर देता, यहीं हाजीपुर है गंगे को सील कर देता दोनों मिलकर, बात खत्म हो जाती। उन्हें लड़ते रहते दिल्ली या कर्नाटक में। इतिहास को हम देखा नहीं कहाँ कहाँ गड़बड़ा गया। एक तो घटना घट दुर्घटना हो गया, खाली वो नाला पार करना था महारानी झांसी, नाला तक तो पहुंचेंगे पर में पारे नहीं किया, घोड़े में मर गया उनका। अच्छा घोड़ा गलत दिया था, ही गलत घोड़ा उसको थमा दिया था ये लोग मराठों सब सिंधिया सब सिंधिया उस समय जो था ये सब इतिहास से जो आता है था ही आदमी, मगर दुर्भाग्य ये घोड़ा के वजह से एक नाला पार करने के बाद वो सीधे दौड़ाते हुए चली जाती यहाँ सीधा इधर जंगले जंगले रास्ता था। वहां तो अंग्रेज पहुंच भी नहीं करता जीटी रोड पर, जीटी रोड पर तो उस जमाने ऐसी बना था। ये ऐसी चीज है सर, हम पढ़े हैं। आप को अगर जानना है दंगियों के बारे में तो उसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा औरंगजेब के बाद से आज तक का, माने 1707 में औरंगजेब मरा और 1710 में बाबू वह उसका यहाँ एस्टेब्लिश हो गया है आपको अजीमाबाद, नहीं वो टेकारी महाराज का जो स्थापना हुआ उसके बाद है 1900 वहाँ हो गया था। लाओ में वो राजधानी था 1728 तक, और उसके बाद 36 में वो चला गया वहाँ टेकारी ध्रुव टिकार डोम कटार जो कहता है डोम कटार ने ध्रुव टिकार का एक गांव था वहाँ टेकारी में है जंगल झाड़ और ऊंचा पर है टेकड़ी पर है इसलिए वहाँ राजधानी बनाया महाराजा सुंदर सिंह के जमाने में। अच्छा और गड़बड़ी कहा हुआ महाराजा सुंदर सिंह को मार दिया लोग, वहीं आ रहे थे कहीं निकल रहे थे। तो यहाँ जैसे बताया कि पटना से जो जाके लोग बसे दूर दराज में जैसे गया में बसे वैशाली में बसे, नहीं ऐसा नहीं है हम बताते हैं नवादा में बसे नहीं बसे। तीन बार आया है, एक बार ग्रुप में आया है। अच्छा एक बार जो आए यहाँ पे पहला जी वो बहुत दिन के बाद जब आप पढ़िएगा उनका डॉक्टर जनक नंदन सिंह जनक का भारतीय वांग्मय में दांगी साहित्य समाज और संस्कृति मोटी किताब, तब कैसे कैसे उस भाषा के हिसाब से नेपाल गया है, नेपाल में वहां से गया है नेपाल में दंगवाड़ा जिसको कहते हैं। अच्छा और नेपाल से होकर के यहाँ आया है। आज अब और पीछे ले जाना पड़ेगा इतिहास जानने के लिए जी।
आधार तब तो नहीं समझ में आता है, प्रश्न हो रहा है। आज ये लोग आए हैं ईसा से 15वीं शताब्दी से, उससे पहले का अगर इतिहास है, जब जगदेव सही जगदेव प्रसाद क्या कहते हैं, सही जगदेव प्रसाद कहते हैं कि 90 भाग हुआ, 100 में 90 हम हैं। ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक तथ्य बताइएगा तब ना जी, तो कोई जानता नहीं है, घोषित नहीं किया, क्योंकि जगदेव बाबू का बचपन में हम भाषण सुने हुए घर है, इसलिए हम बतवा जानते हैं उसी समय से 1952-53 के जमाने से। तीन जातियां हुई, जब जंगली जंगली पना छोड़ करके आज से 5000 साल पहले लोग ईसा से 5000 साल पहले, तो तीन वर्ग में बटा आदमी, कृषक गोप मला, एक कृषि कार्य करने लगा, एक पशुपालन हो गया, और जहां गड्ढा होकर था नदी किनारे मत्स्यजीवी हो गया। ये तीनों एक के वंश का आदमी है, ये तीनों जो है एक ही वंश का आदमी है तीनों। हाँ करते ही लो, तुरंत 5 मिनट में आ रहा है, रुकने के लिए कहीं ना क्या होगा नाम। अच्छा सुनिए ना, पहले इसको आया है मेगा खनिज का इंडिका है, उसमें वर्णन करता है कि यहाँ 4 जात नहीं है, 7 जात है, किस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है, मगर तीन प्रमुख जातियां यहाँ है, कृषक गोप मला, साफ लिखे हुए। ये कृषक है, अब कृषक में सबसे बड़ा तो था कुरीपुर, तीसरी शताब्दी में गुप्ता पीरियड में दोनों को बांट दिया, अलग अलग कुर्मी कर दिया, कोरी कर दिया, कोरी कुर्मी की बात कर रहे हैं, कहा कि जिस गांव में कोरी है उसमें कुर्मी नहीं है, जाके देखाओ बिहार में ये बांटा हुआ है। अभी तो लोग कहते थे कि दोनों हुक्का पानी करता था, तो कृषक कृषक को पूरे भारत में कोरी या कुर्मियन के कृषक बढ़ सबसे बढ़ता था, बांट दिया, कुर्मी कर दिया, कोरी कर दिया, लॉ कुछ कहता है तो खैर अपना वो दूसरा नाम है, मगर है एक के वंश का, एक वंश का। अगर गहराई से जेनेटिकली अगर जांच किया जाए तो दोनों में कोई व्यवहार में फर्क नहीं होता। अच्छा दामी लोग जो हम लोग आए तो हम लोग तो कितना था, वहां तो डरे मरकवर डंटा हुआ, मार लगातार, लूट का क्या क्या हो रहा था, भागा मुक्ते लोग भागा तो जंगल पहाड़ में, बस बाद में आए लोग, तो अब यहाँ आया तो यहाँ कृषक थे हो गए कोई कोई, और लोग था खेती बाड़ी करे वाला, तो खेती बाड़ी करे वाला कोई में घुस गए तो काम का काम, मनवा तो वही रहा, अब यहाँ मनवा की छतरी है नहीं कुछ। कहा कि हमको देख हमको लगा, और हम लोग उस जमाने से पढ़े नहीं, बड़ा मेहनत पढ़ा लेगी, देखा बाबू देखा ठूंस देखते हैं ना, छेस लगते रहते, जूता नहीं पहनते थे हम लोग, किसी किसान को किसी को औकात नहीं था जूता, हमारे जैसा तो हम पहना दी, देखा है ना ठूंस काट ठूंस रही ठेक, और जब देखने में ठेक एकदम, जब तक जूता नहीं पहने 8 साल मैंने, जब तक सारा ठेक हम ही नहीं, सबका यही हालत, सब खाली सब किसान के ही हालत, ये वो कुर्ता बस कमी हाथी कर पड़ सवा रुपये, समझिए कि चावल बिकता था हमारा, कितना के चावल हो गए थे कीजिएगा, मगर अब मिलर स्कूल में पढ़े जाएगा, 8 महीने जाना 8 महीने आना, और साइंस पढ़ना तो साइंस तो हम इसलिए पढ़े कि हमने अंग्रेजी पढ़े वाला 100 साल से आदमी है, हमारे चाचा थे वो तो नहीं से कैसे गए थे इंट्रेंस पास। अच्छा पटना जिला में कौन कौन इंट्रेंस पास था उस जमाने में 1920 के स्टेज में, दर्जन भर आदमी भी नहीं, पटना पटने वाला कुछ ज्यादा था, बाहर तो कोई है ही नहीं था, तो अंग्रेजी पर गिन दे हुआ पूरे बिहार भर के, कौन मैट्रिक पास कोई था, कोई नहीं था एकदम, आजादी से पहले जब ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट नहीं आए आप तो क्या खोजते हैं भाई, ये सब जान आज, अब जहां हम आज हैं अब हम शुरू करें थे हम, अब आप कहाँ हैं, अब खोजते हैं दूसरे जात, दूसरे जात में 1912 से थे, यहाँ का अध्यापुर में दरियापुर वाले इंद्र देवन सिंह 1912 के इधर भी वो लोग राजनीति करता था सब, दरियापुर वाला मोहनपुर वाला
ई वाला गोरन सिंह वाला सब जो बड़का बड़का कुर्मी सब तो समूचा सब ने बड़ा कुर्बानी को दिक्कत आई दिया ना। हम लोग भी साथ देते थे उन्हें, आपके टिफिन बाबू बिल्कुल साथ, अच्छा दे बाबू। अरे जैसे नेतागिरी का शुरुआत हुआ गुजर गई थे। दूसरा एक आदमी आया लक्ष्मी सिंह महात्मा के, अरे बाबे को इलेक्शन रहा 6 महीना में गए और ये हमारा नेतृत्व मर गया पटना का, नहीं तो बिहार के नेतृत्व करता, ये लोग में क्षमता थी। देवाऊ से हमको 1 घंटा एक इंटरव्यू हमारे चाचा का पढ़ा लिखा लिया जमाने के नाते ये वहाँ नरिहाल जहाँ एक जगदीश बाबू भी मेटिकुलेट थे तो वहाँ रेडियो शुरू शुरू आया था, पटना रेडियो खाली लगा हुआ था, जेल से तुरंत अभी कर लेते ना तो ये दलानवा ठहरने वाला वही हम चाचा के हम सुन रहे हैं चुपचाप घंटा 2 घंटा उनका कैसे हुआ क्या हुआ पूरा इतिहास हम जानते हैं। एक आदमी भी जिंदा है जो देवाऊ का बात सुना हुआ डायरेक्ट है, कोई जीवित कोई होगा भी तो कहीं भेंट होली ना दे बाबू से उसे बैठ करके टॉप में पॉलिटिकल टॉप में वहाँ पिकनिक में मेट्रिकुलेट है हमारा मौसा है रघुवंश वनी के जगदीश साहू हमारे चाचा थे देवाऊ थे हम थे छोटा बच्चा सुने हैं सब बात। सवाल ही कि अपने यहाँ का जो नेता सब जो हुआ है बिहार का, अब देखिए सीताराम बाबू से भी भेंट खाए हमको, जितना आदमी है वो पढ़िएगा वो उस बिना पढ़े हुए नहीं होगा, कहीं है किताब मिले वो तो छपा लेगी ओकरा पढ़िए, पत्रिका जो निकला था ना उसमें सब छपा हुआ पूरा किताब छपा है पढ़िएगा उसमें, जितना आदमी उसमें है कार्यकारिणी का 1949 में 1939 में जो कार्यकारिणी का है सिर्फ हजारीबाग वाला और वहाँ डाल्टनगंज वाला आदमी को हम नहीं जानते हैं, नहीं तो एक एक आदमी हमारा परिचित सब आदमी से बात है हमारी पटना से बाहर वाले से भी। यहाँ बिहार से मध्य प्रदेश राजस्थान की खोज की और आप लोग कैसे आगे बढ़े सर? इसीलिए उन्हें इसका देंगे सिर्फ इसका डॉक्टर शत्रुघ्न जी का, मगर इसका बात नहीं माना, इसको लगाए भी नहीं किया। हाँ ये भी बात है, इनको थोड़ा सा ये देनी चाहिए तरजीह देनी चाहिए क्योंकि रिसर्च पे काफी बड़ा आगे बढ़ चुके थे। अपने जात अपनी दांगियों में बौद्धिक लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, सबसे बड़ी कमी यही। इसी पे हम थोड़ा सा और भी ये लेना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या होता है, स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है जो समाज सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं फिर बैक टू पवेलियन चल जाते हैं, मीन्स आगे नहीं वो कर पाते हैं या फिर समाज उनको तरजीह नहीं देता, ऐसा क्यों, क्या स्थिति रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? हम जैसे कई बार हम युवाओं में भी होती है, परमानंद जी पॉलिटिकल आदमी होते हुए भी अनसक्सेसफुल हो गए तो हमको लगा दें, उस समय हम सर्विस में थे। 1994 में जब दांगी जी हुआ था सम्मेलन उस समय हम सर्विस में थे तो हम अध्यक्षता ग्रहण नहीं किए, जब रिटायर किए तब अध्यक्षता ग्रहण किए तो हमारे मथे करीब करीब ठेल दिए, हमने कहा कि पहले तो दांगी वोटिंग हम खाली करवाएंगे तो खाली करवाया जबरदस्ती पावर से, और पावर है ही है भाई मुख्यमंत्री के यहाँ जो बैठ रहा है उसको पावर नहीं है वो तो हो गया, मगर इतना ने नाम हो गया कि अब लोगों को लगा कि हमको अध्यक्ष हो जाएंगे तो हमको भी इतना पूजनीय हो जाए, अब लठाई के को खड़ा कर दिया बीच में लोग भाजपा के नाम पर, काहे को संघ को लेते थे अपना क्लास वगैरह लेते थे लाठी वाला, अच्छा है ना, तो हो गया अध्यक्ष, बहुत लोग जो है कि दलाल सब लग गया उसी में, हालांकि हमसे कोई नहीं था। अब हमको हम देखा कि ये बुद्धिहीन आदमी सबके बीच में हमरा अब ठीक नहीं रहना है तो हम थी नहीं लड़बे नहीं, वही चीज हम देखे हैं ज्यादातर अधिकांश कि समाज में बुद्धिजीवी लोग बैठना नहीं चाहते हैं या समाज के लोगों लोग टीक नहीं पाते हैं बुद्धिजीवी लोग, ऐसा क्या है और ऐसी ऐसी स्थिति क्यों आई है, ये आपका अनुभव क्या कहता है? ये मेरा अनुभव यही कहता है कि वहाँ ठेठी वाला बात बुद्धिजीवी नहीं करेगा, अरे हाँ एकदम भीड़ गए मारपीट पर नौबत आ गई कि हम ही रहे करेंगे तो रह भाई तू। अब सोचिए चंदा की बात है,
करोड़ रुपया चंदा। इसका असर तो समाज के भविष्य पे पड़ रहा है। सभी लोग हार गए। सीताराम सिंह जैसे आदमी उस जमाने के, पहला इंजीनियर सीताराम शरण सिंह फेल हो गए, जदुनंदन महतो फेल हो गए, और जदुनंदन महतो के सहेल कुमारी के बेटी के ब्याह के लिए साला हंगामा हो गया, और सीताराम सिंह नहीं किए अपना बड़का बुने सर से अखिलेश पे हुआ छोटका से मेरे पास दूसरा ही नहीं था, होता ब्याह तो हुए होगा आपका समझते पारस इनका जो है कि नहीं राम कृपाल शरण सिंह मिस्टर कुंपला सिंह है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीए पास आज तक नहीं किए, बहुत मुश्किल से बीए पास किए और कहिए मैं पास कर ले ली लड़का भी नहीं ली, अब पढ़ा लिखा दिया और लड़के नहीं है कर कैसे होगा पढ़ा, जो हम अपने जमाने में बेटी के हमको हमरा भी नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हुआ बीए पास करवाने से फंस गए फिर हम मिस उस जोक के आज भी लड़का लड़की नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी नहीं है लड़की के जोक का लड़का आज भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों समाज उस पे क्या सोच रहा है? पटना जिला का तो हम यही जानते हैं कि यहाँ कट्ठा का गर्मी हो गया जो करोड़ में अब बिना एक भी लड़का यहाँ करोड़ से कम का नहीं है अब करना कुछ नहीं। अब अभी न कह रहे थे जबरू बाबू का वहां भला बताइए तो बड़का कितना किसान थे हाँ झगड़ू बाबू के है शकुंती के ब्याह है अमेर खानदान में इसी हो गया डीएसपी के बेटा से हो गया। अच्छा अभी चर्चा कर रहे थे कि नवादा में शादी करने के लिए लोग तरसते थे बिहार के हाँ, लड़के लड़कियां यहाँ ऐसा सुसंस्कृत गांव एकदम सुसंस्कृत गांव नवादा जो हमारे गांव का है उस जमाने में आजादी से पहले एकदम सुसंस्कृत था और वहाँ की लड़कियाँ 100 बरस 90 से कम के तो कोई मरवे निकल गए इतना बुढ़ियन हमारी माँ भी 95 हिसाब से मरी वो जीवित रह गए तो रह गया वहाँ का लड़की सब। इस पे टिप्स आप क्या देना चाहेंगे कि समाज कैसे सुधरे और समाज में जो लोग समाज सेवी के लिए आना चाहते हैं लोग समाज सेवा नहीं कर पाते हैं सामाजिक नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथ में नहीं होगा। आजादी से पहले ये नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथ में था जो कि अभी 25 बुद्धिजीवी के नाम हो आजादी से पहले के हम गिना दो वो बैठे बैठे बिहार भर के दो चार पांच नाम से अच्छा सुन लीजिए ना जैसे कि वैशाली में श्याम नारायण सिंह राजेंद्र नारायण सिंह डीएसपी वो जो थे क्या नाम है उनके भाई हरिहर बाबू मुख्तार थे टिंकू के दादा अच्छा छपरा में वहां वाले थे महमदा वाले दीनानाथ थे और थे इंजीनियर थे उसमें गया नवादा गया अच्छा गया का सीताराम सिंह आपके आजादी से पहले में समझिए कि सिद्धेश्वर बाबू थे भगवान बाबू थे जिनकी लड़की है डॉक्टर कृष्णा सिंह अच्छा और बताते हैं आपको आजादी से पहले जगदीश बाबू लोग मजिस्ट्रेट अच्छा पढ़ा लिखा आदमी में गया का पुराना में तो चलिए हम आगे ये करना चाहेंगे बहुत आदमी है वहाँ आगे भी और ये करना चाहेंगे कि अब आगे जैसे बता रहे हैं कि बुद्धिजीवियों के हाथ में हो कैसे क्या किया जा सकता है बुद्धिजीवी को इकट्ठा कीजिए ये सब से नहीं होगा ढल पड़ोना ढुल टंगमन से नहीं होगा। अब जैसे वहाँ का गया जिला का लगातार जो लोग नेतृत्व करते रहे वो झोला टांगने वाले थे चाहता था कि इसी के कंधा पर हम एमएलए बन जाए दांगी कंधा पर एमएलए किसे बन जाइए किसी राष्ट्रीय पार्टी के में रहते तो होगा तो राष्ट्रीय पार्टी के दुए नेता थे दंगियों में एक जगदेव बाबू अपना रास्ता अख्तियार किए उपेंद्रनाथ वर्मा तीसरे में आए आपको वकील साहब ये गया के का नाम है एमएलए हुए थे सुरेंद्र अजय एक बार एमएलए नहीं हुए थे वहां से गनौरी बाबू सब तो पहले का आदमी था सुरेंद्र बाबू और पहले वकील साहब भैया वो दंडल यूनाइटेड से थे इससे थे लालू वाला पार्टी से ऐसे से हुए अर्जुन मंडल उसी साल हुए थे अभी बागी वर्मा 3 आदमी हुआ था दांगी का उस समय। देखिए कारण क्या है बुद्धिजीवियों को तो नहीं हुआ ना कहाँ कोई लगाता है
रणधर सिंह पथल तो बराबर जो है कि नहीं तो खेकड़ी बांधते रह गए, और यहाँ जब भी आते थे लगे कि वही नेता है और वहाँ कुछ भी नहीं करे लोग। अच्छा एक बात और है, सबसे लीड किया है गया जिला, मगर गया के मठाधीशों का कोई योगदान नहीं है आज़ादी से पहले, सिर्फ एक श्रीरामपुर स्टेट का वो जो थे गदाधर महतो वही भाग लेते थे। मखदुमपुर जहानाबाद मखदुमपुर एरिया में जो थे ना, जिसे मूलचंद महतो से, महावीर महतो से, फिर अभी जो है इराजेंद्र बाबू इनका बाबू चचा थे वो हाथी रखने रखले ये हाथी वाला ये सब कहाँ, लालेश्वर राव आए तो कुछ मदद किए मगर इनके बाबूजी वगैरह मठाधीश्वर का भी इसमें सहयोग ही नहीं किया, गया का नहीं हमारे यहाँ किया, यहाँ जितने लोग थे संपन्न लोग सब जुड़े हुए थे संस्था में, मगर यहाँ के बाहर के जितने लोग थे कोई जो संपन्न आदमी था मठाधीश कहने का संपन्न कंबाइन गया जिला में सिर्फ गदाधर महतो छोड़ करके एको मठाधीश उसमें सक्रिय नहीं था, सिर्फ बुद्धिजीवी लोग था जो पढ़ा लिखा आदमी थे, वो बुद्धिजीवी था नौकरी में था या नहीं तो व्यापार में था या नहीं ठेकेदारी में था, तो सबको जानते हैं हम लोग, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ा लिखा आदमी वो सब जानते थे सब। ये बात है आज आपको करना, जब तक बुद्धिजीवी जिस समाज का इकट्ठा नहीं होगा आपका कल्याण नहीं होगा, इस बात को हो भी नहीं गया, संगठन हो नहीं सकता। अभी तो सैकड़ों आदमी विदेश में करोड़ों रुपये आ सकता है तो दे देगा तुरंत, तो क्या दिक्कत, ये कहेगा झोटंगमून कहेगा तो दे देगा, आज झोटंगमून रखेगा। अच्छा पहली बात, दूसरी बात, ये आज तक हिसाबें नहीं रखता है लोग वित्तीय संगठन का मतलब है, आप सिद्धांत समझ लीजिए पहले, बगैर सिद्धांत का मत चलिएगा। संगठन सात अंग होता है समझ लीजिए, एक नेता या राजा होगा, उसका एडवाइजर होगा मंत्री शुद्ध रूप में, तीसरा वित्तीय व्यवस्था उसका ठीक होना चाहिए, समझ रहे ना, वित्तीय व्यवस्था उसका ठीक होना चाहिए, ललुआ का वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा गया, नतीजा हो गया कि फिर भूल हो गया अपना में वित्तीय व्यवस्था में घोटाला हो गया काम का। तीसरा लोग और धरती की पहचान होनी चाहिए, पहचान होना के लोग और धरती कहाँ हम हैं तो के हो गए, तीन पांच हो गया छठा हो गया का सबका कल्याण, कल्याण कीजिए या सुरक्षा कीजिए, जैसे बनते थे वगैरह ना यही छठा में आता है, ये जो है रखे हैं आप दांगी कोट, हाँ दांगी कोट छठा का। और सतमा है जिसका आप भुला जाते हैं, मित्र होना चाहिए सबसे, मित्र कोयरी कुर्मी हो तो कोयरी सबसे, ओकरा कुशवाहा करके रोज गरियावा हूँ, पहला तो वहीं खत्म हो गए लोग, आपको क्या दिक्कत है, है? लोग जब आपको कोयरी समझता है तब आप काहे ला झंडा उठाए हुए कि दांगी चलते फालतू फालतू काम कर रहे हैं आप, पोलिटिकली आपको मिलेगा नहीं, मित्र चाहिए सतमा है तो मित्र कौन हो, कोयरी कुर्मी ना होगा पहले जी, और उसके बाद फिर अगर पिछड़ा वर्ग में आए तो कहा तोरा से ऊंचे है वो, बनिया तोरा से ऊंचे है वो, आप बोलिए आप मित्र चाहिए ना, हम लोग खुद छाट देते छाटते तो कैसे होगा संगठन, मित्र चाहिए आपका, आप घर का संगठन हो, एक घर का छोड़िए राज्य का अजात का, घर का संगठन एक एक होता है मुखिया घर का। एक अंतिम सवाल सर, हाँ आज बहुत दुखद दिन है, बहुत दुखद घटना हुई है, एक दांगी की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई जमीन के कारण, और ये आए दिनों हो रही है आपसी कलह और बंटवारों को लेकर, या फिर इन सब चीज़ों को कैसे ये करते हैं सर, आज बड़ा दुख हुआ ये सब घटना जानकर, और समाज कैसे उस पर सक्रिय हो पाएगा, लोगों को कैसे संरक्षित कर पाएगा। आप सवाल है कि जहाँ जगह झंझट हो रहा है तो पहले तो पंचायती हो जाता था, अब तो पंचायती मानने के लिए तैयार कोई संगठन ही नहीं का, सोशल संगठन जो कह रहे हैं तो संगठन में जैसे कि अब है ना ये आप रखा है, आप तो सोच रहे हैं तो ये सक्रिय कीजिएगा, तब तो बुद्धिजीवी दस वो पढ़ा लिखा आदमी किसी के यहाँ पहुँच जाएगा आदमी, तो उसको मानना पड़ेगा ना, तो कहाँ सक्रियता वाली बात, कहीं तो हो तो नहीं रहा है हर गाँव में, मीटिंग कीजिए समझाइए बुझाइए युवा वर्ग। अच्छा एक बात, ये बुढ़वन से ना हो तो
40 और 50 के बीच में होना चाहिए सक्रियता वाला आदमी। इस बात को भी अनुभव की बात कह रहे हैं, ये फेर में है कि फलना आदमी या बुढ़ो ना ना। सक्रिय जो कार्यकर्ता आपका होगा वो 40 से 50 के बीच का होना चाहिए, ये अगर हमारा अनुभव चाहते हैं तो। कहे कि 50 के बाद का सब ढलेल हो गया, पुरन का और उन्होंने कहा है ना पुरन का है कुछ नहीं है, जनरेशन गैप हो गया है, तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा। अब तो वैज्ञानिक बात आपको बताया, आप क्या बताऊंगे। अंतिम में हम चाहेंगे कि दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसे ढले पे काम करना चाहिए, उसके लिए क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे। हम पहले बताते हैं ये कि आप जगह जगह सेमिनार कीजिए और बुलाइए, 2 दिन 3 दिन कैंप करके वहाँ भाषण होगा, समझाया जाएगा। बहुत आदमी तो बहुत भी नहीं जानता है, घर से बाहर निकलेगा तब ना। अरे घर से बाहर निकलेगा तब ना, तो सेमिनार कीजिए, आज वहाँ कीजिए 2 दिन 3 दिन। भोजन करवाने में कमी नहीं है, जहाँ रहिएगा भोजन गाँव भर का आदमी मिलकर करवा देगा, मगर बैठकी हो बतावे कि हाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, ये होना चाहिए, यही हमको कहने का मतलब है। और सेमिनार तो इनको कहते थे ना जगदेव बाबू के, ये क्या कहते हैं नागमणि को कि जगदेव प्रसाद जो कहते हैं 100 में 90 तो समझता है आदमी। अभी आपको समझा दिए ना ऐतिहासिकता से दे करके कि 3 वर्ग में कैसे किसी आ गया याद, उसी से बनिया बकाल दुनिया जान का हो गया। अभी राजनीतिक शून्यता है सर बिहार में, उस पर थोड़ा सा चाहेंगे एक आध मिनट के लिए, और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि काफी देर। राजनीतिक शून्यता देखिए सबसे आसान है, अभी भी भारत का लोग आमतौर से सबसे कॉमन चीज है धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो कुछ हो, और धर्म में घुस गया है ठेकेदार, हिंदू पंडित और उधर मौलवी, कहा कि उसको तो मेहनत करना नहीं है, मुफ्त का रोटी तोड़ना है। तो धर्म में जहां धर्म जो है कि घुसा हुआ है वहां तो दिक्कत है। अभी से गौशाला लेकिन हम भूल जाते हैं पशुपालन, हम तो वेटनरियन है, गौशाला, गौशाला से वेटनरियन का क्या मतलब है थोड़ा सा, गौशाला से, गौशाला तो हिंदू धर्म का है, मारवाड़ी सब अपना देखेगा, जहां से जाते डॉक्टर का काम होगा तो देखा, तो नहीं पशुपालन विभाग उसको देगा, अरे पशुपालन विभाग का देगा सारा, वो तो अपना मारवाड़ी सब दूसरा ढंग का हिसाब रखे हुए। तो धर्म घुसा गाय, अब बताते हैं गाय, सुन लो गाय, धर्म की बात है ना, तो गाय समझ लीजिए, हमसे ज्यादा कोई नहीं बतावेगा गाय और भैंस के बारे में, कहे कि हम उसके एक्सपर्ट हैं, नवीन है ना। अब भारत में देखिए आप पूछते हैं गाय को भैंस को क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लडुआ कई सबको भी कहे थे कि अरे बेवकूफ कहीं का बुढ़वा का हेर, भैंस को हाईलाइट करो, इनका यशोदा जी के छींका में मक्खन रहता था। हमने सवाल उठाया कि गाय का था कि भैंस का, गाय का है, गाय का दूध 3% देता है, गाय के दूध में कितना मक्खन होगा, भैंस तो वहां जो भूरी भैंस है वो 13% देता है मक्खन उसमें, समूह कृष्ण के धरती पर जो भैंस है वो 13% देता है, तो मक्खन है पहचान दूध का। अच्छा 1,000 करोड़ टन दूध का उत्पादन भारत में होता है, जिसमें 60% दूध भैंस से आता है और 40% गाय से आता है, दूध भैंस देता है अपूजा है गाय, अरे वाह, भैंस अही पालता है इसलिए तमाशा बना के रखे हुए हो। तो बदलना होगा चीज जो समझ है उसको ठीक से वैज्ञानिक ढंग से समझना पड़ेगा। अभी आया अमेरिका के प्रेसिडेंट 15 साल पहले ले जॉर्ज बुश जी ताजमहल ना देख के, ताजमहल कहानी का वो तो घंटा भर लग जाता हूँ साला, वो देखने का चीज हमको तो घिन पड़ता है उसको देखने में मुर्दा गाड़ा साला, उसको हम पूजा करने जाएंगे और वो मुर्दा 3 बजे उखाड़ के गाड़ के उखाड़। ताजमहल में जो सोई हुई महारानी है वो 16 साल विवाह जीवन में 15वां बच्चा जन्म देते तो मर गई, और उसको प्रेम दिखा रहे हो पागल जैसा काम तुम नहीं देख, प्रेम से बनाया कि डोड़े बना दिया, ये लोग कहे नहीं कि कसाई है शाहजहां का, बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा सुनिए वो सब छोड़ दिए, ताजमहल नहीं देखा, वहां जाके एक भैंस देखा,
ताज महल नहीं देखा, बूस और भैंस देखा। काहे भाई के अफसर लोग बताया कि यहाँ जो है हमसे भी ज्यादा 1000 करोड़ दूध का उत्पादन होता है, जिसमें 60% दूध भैंस से आता है। व्हाट इज माय फेलो, देखबे नहीं करके भैंस ते वो भैंस बुला करके ओकरा देखल कि यही भैंस इज इट माय फेलो, और हिंदुस्तान में फोटो निकाल इज इट माय फेलो, ये माय फेलो वो डाउन कर, भैंस डाउन कर दिया अमेरिका के दूध उत्पादन में। बात कर रहे हैं रामदेव बाबा कहते हैं खाली गाय का घी हो पगड़ा है आदमी, कहा जाने गया डॉक्टर तो नहीं ना, डॉक्टर हम ना। अच्छा कहता है भैंस के दूध से मोटा हमके, हमसे ज्यादा बुद्धि है, और 40 साल की उम्र तक हम भैंसे का दूध पिए हैं। गाय कहाँ रहता था किसके यहाँ, हमसे ज्यादा काबिल हो बोलो, क्या जानते हो। बात कर रहे चुप हो जाए, अरे हम तो बात करो ना भाई, हम तो भैंसे के दूध पिए कर बात हमारा, इतिहास में भूगोल में साहित्य में फलना में ढेकना में जगड़ा बहस कर रहा उसे कर बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं ना होता जी, चीत को टच को समझिए। किसान जो टॉपिक अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है सर, किसान आंदोलन काफी ये है सक्रिय है, राजनीति उसमें घुस गया है, और उसमें घुस गया है अलग राज मांगे वाला पंजाबियों से। किसानों की तो वास्तविक स्थिति काफी बदतर है गांव में, या फिर राज्य सरकार के द्वारा हमेशा बैकफुट पर रखा गया है किसानों को। अभी धान की खरीदी नहीं हो रही है, धान का उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है, और अडानी अंबानी यहाँ पे ये खोल रहे हैं गोदाम खोल रहे हैं, तो इन सब चीजों पर तो सरकार की सुनिए हम बताते हैं, किसान संगठित नहीं है, किसान जो है संगठित नहीं है, जो संगठित है उसका बात होता है। दूसरी बात है अडानी वगैरह जो बड़का बड़का है वो तो इलेक्शन लड़ना चाहिए, करोड़ों करोड़ अरबों खरब रुपया खर्चा होता है, किसान कहाँ से देगा पैसा, वहां से मिलता है, इसलिए बिजनेसमैन को। और ये मूल रूप से ये तो सवाल ये है कि हमारा हम आजादी से आज तक वो समझे कि समाजवाद रटते रहे, समाजवाद एक्चुअली समाजवाद हुआ ना, कुछ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं, खाली भाषण हुआ, समाजवाद तो कभी हुआ नहीं, ये सब दिक्कत है। तो सवाल है किसान संगठित जब तक नहीं होगा, जब तक अपना मांग नहीं रखेगा, किसान के लिए पिला दे हुआ बात खत्म हो गया, सब्सिडी दे रहे, सब्सिडी से क्या मतलब है भाई, हमको सुविधा दो ना। अब सुनिए, हम जब खरीदे थे पावर टिलर उसे में 11,000 रुपया दाम था, तो जितना में गेहूं का जहां दाम था 1980 में, अब फैक्ट्री में बनने वाला चीज तो लाखों में चला गया, गेहूं जहां के तहां मतलब 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक जो है मूल्य चला गया। हाँ ट्रैक्टर 1.5 लाख में मिलते थे, 7 लाख 8 लाख में ट्रैक्टर मिल रहे हैं, तो कैसे होगा है? लेकिन उत्पाद उसको मूल्य ज्यादा नहीं मिल रहा, कोई भी चाहे जगजीवन राम हो चाहे किदवई हो, भोजन महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका तो हालत खराब हो जाएगा, तो पड़ेगा तो किसाने पड़ना है, सस्ता चीज भोज्य पदार्थ महंगा नहीं होने देगा सरकार, कोई भी सरकार चाहे जगजीवन राम ही कृषि मंत्री का ही नहीं हो जाए, का है अब पॉपुलेशन यहाँ साला बढ़ गया, अमेरिका में 30 करोड़ है, यहाँ 1 अरब 30 करोड़ है, ओकरा यहाँ से 6 गुना ज्यादा धरती, ओकरा 3 गुना ज्यादा ही, तोरा 3 गुना कम हो बदल, प्रॉब्लम तो वहां है पॉपुलेशन। अच्छा मियाँ है, एक तो चौथाई मियाँ आ गया, मुसलमान पैदा कर रहा है 12-12, 14-14, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, तो खाएगा ना भाई है। चलिए हम फिर नए सब्जेक्ट के साथ और इनके साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे, इनसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को, सभी जो आप लाइव देख रहे हैं, आपको लगातार देख रहे हैं कि हम लोग का व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी तमाम श्रोताओं को, और डॉक्टर राज राजेश्वर जी जो इतिहासकार रहे हैं, दांगी के काफ़ी गाँव में घूमे हैं, बिहार को बहुत बारीकी नज़र से देखे, राजनीतिक लंबे समय तक पटना जिला में और प्रदेश के रूप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और इन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं, तो हम फिर इनसे मुखातिब होंगे, और 1 तारीख को इनसे हम लोग अपील भी किए हैं कि 1 बजे आएं और हम लोग को आप अनुग्रहित करें, हम लोग को संबोधित करें, तो हम लोग नए साल में घूंघट मैरिज हॉल में
उपस्थित होंगे, और आप सबों से निवेदन करते हुए कि आप भी आएं, जरूर आएं और हम लोग के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।